सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रुद्र कुलकर्णी एंड यू आर वाचिंग रुद्र आरके व्लॉग्स। तो अभी हमारा संडे का दिन अभी थोड़े आधा एक घंटा पहले शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हमने ब्रश किया, चाय पानी किया, फिर आज हम रील निकालने वाले हैं। तो अपने जो शूटर है उनके पास हम आए थे कंटेंट बताने और कुछ मसल ऐड कर सकते क्या उसमें, तो वो सोच रहे थे, तो ऐसा लगा कि इसका भी ब्लॉग बना देते, तो ब्लॉग शुरू कर दिया मैंने। तो ये देखो बिल्डर, बिल्डर बहुत शर्माते हैं क्योंकि उसके घर वालों ने अगर उसको वीडियो में देख लिया तो उसको बहुत मारेंगे, ऐसा उसको लगता है, पर मुझे तो नहीं लगता। तो अभी हमको दो तीन काम है तो वो अभी करेंगे। तो अभी इधर से जाते घर, फिर घर से डब्बा उठाते, फिर डब्बा उठा के गिरने में जाना है लगता, फिर गिरने में जाते, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद और एक काम है, और दोपहर को वीडियो निकलने का, और शाम को दोस्तों को मिलने को जाने का अपने को, तो वो भी दिखा था आज ब्लॉग में। चलो अभी घर जाते हैं, घर के थोड़े दो तीन काम करते हैं और बाद में ही अपने काम सब। चाबी कूटे गेली, अरे चाबी या चड्डी से खिंचाते, शूटर साला मग घरी। चलो अभी घर पे, ए तेरे कॉल कर, तुम साला मग गाड़ी चालो, तो गाड़ी चला दे, फोन पे बात नहीं करने की है, और फोन भी नहीं करने का, ब्लॉग भी नहीं देखने का। जब गोप्रो लेंगे फिर डायरेक्ट हेलमेट डाल के उसमें। चलो अभी तो गाइज, अभी हमने गेहूँ क्या कुछ तो भी है तो वो अभी पीसने जाना है। तो अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त बैटरी की गाड़ी है तो वो पिकअप नहीं लेती है। तो अभी पहले ये गेहूँ रख देते हैं गिरने में, और बाद में आयुष को पिक करते और रिंग लाइट भी देनी रोहित को, तो उधर भी जाते और उधर भी डायरेक्ट फिर कुछ तो भी लेने को जाने का अपने को। तो अभी हमने गेहूँ रख दिए गिरने में दलन करने के लिए। हाँ, तो अभी ये देखो, ये जो हमारा बारीक बच्चा है आयुष, वो आ गया है अभी। तो अभी गाड़ी चलेगा और मैं पीछे बैठ के ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग निकालने वाला हूँ, क्योंकि ये ना बहुत करामती है, ये मैं पहला करामती है, दूसरा करामती। तो अभी जाते घर पर, रिंग लाइट रोहित को देते हैं, और रोहित को रिंग लाइट दे के पेट शॉप में जाते, क्योंकि ग्रेसी का जो पेडिग्री है वो ख़त्म हो गया है, तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कल रात को मैंने उसको एक दिया था तो पेडिग्री नहीं था। तो चलो गाड़ी चला, बहुत नहीं बहुत धीरे गाड़ी चला। तो गाइस अभी ये जो है, ये हमारा ऑफिस है, पापा का ऑफिस है। तो अभी हम इधर के गैरेज पे आए थे क्योंकि इसका जो ये इलेक्ट्रिक जो गाड़ी हमारी, इसका पीछे से ऐसा पक 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 आवाज़ आ रहा था, पर वो इधर ठीक नहीं होगा, वो अंकल बोले वो शोरूम पे जाना पड़ेगा, तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो अभी जाते पहले पेडिग्री लेने पेट शॉप में। अभी ना ये क्या करता, लोगों के मजा ले रहा है ये। तो अभी आपने देखा ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, अभी सेकंड सेकंड तो और एक ट्राई करते वो वहां पर रुके हुए। कोई तुम्हें अकेला दिखना चाहिए, तो भी नहीं तो बहुत, चार पांच लोग रहे तो बहुत मारेंगे इसको भी, और मुझे भी। अंकल इनकी मजा ले रहे। तो ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पेट हाउस है, इधर से हम ग्रेसी का सब सामान लेते। तो अभी ये गाड़ी पार कर रहा है, तो अभी ऊपर जाते हैं, तब तक अभी आयुष ब्लॉग शूट करेगा, क्योंकि मैं कैसे करूँ, मुझे पेडिग्री परचेस करना है। तो अभी पापा को कॉल करके पैसे मंगाते हैं जल्दी। तो अभी हमने जो ग्रेसी का पेडिग्री का है, ये वो 20 किलो का ये, तो वो ले लिया है। तो मैंने वो उठाया तो पूरा जैकेट गंदा हो गया मेरा। तो अभी अभी इधर से इसको पहले घर पर छोड़ते हैं, नहीं पहले पेडिग्री रख के फिर ये बारीक को घर पर छोड़ दे, और फिर घर पे जाके पहले स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। तो घर पे जाते थे जाते, अभी एंटरटेनमेंट हो गया, अभी लाइफ में थोड़ा सीरियस होते हैं, अभी घर पे जाके पहले स्नान करते गाइस, और मजा आएगी। यस बाय बाय, ले घर बाहर गया नहीं तो कॉल कर माला। तो गाइज मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मैं जो ब्लॉग बनाता हूँ, अभी मैंने कुछ गलत होता है मेरे से कि लैंग्वेज में कुछ गलत बोल देता हूँ, कुछ बैड वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब मुझे वैसे बताते जाओ कि भाई तेरा ऐसा ऐसा गलत हो रहा है,
तो तू उस पर वर्क कर। तो ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा की लिंक डालते रहता हूँ, तो उस पर जाके मुझे DM करते रहो कि भाई तेरा ये एडिटिंग में गलत हो रहा है, तेरी लैंग्वेज थोड़ी ठीक कर ले, उससे अच्छा हमको लगेगा। और तो मुझे ऐसा बताते जाओ, फिर मैं ना खुद पे वर्क करूँगा और ब्लॉग पे भी, उससे क्या है ना ब्लॉग भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा आपको भी मज़ा आने लगेगी। और मैंने ऐसा डिसाइड किया कि अभी 7 days में एक ब्लॉग आएगा, क्योंकि अभी मेरे 12th है तो मुझे ज़्यादा डालने ये नहीं मिलेगा, मतलब ज़्यादा ब्लॉग करने को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि स्टडीज़ पे भी फोकस करना है। तो अभी सब चीज़ें करनी है, मतलब यूट्यूब है, रील्स है, सब करना है, पर 12th पे अभी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ बाजू में रखते हुए 12th के बाद तो यही करना है। तो मेरा यही कहना है, बस सपोर्ट करते रहो, और कुछ रहता है मेरे से कुछ गलती हो जाती तो वो मुझे बताते जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि तेरी लैंग्वेज एसेंट ज़रा ये हो जाता है, बहुत शार्प हो जाता है, थोड़ा उसको सॉफ्ट कर ले। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वैसा, तो मुझे बताते जाओ, बस इतना ही कहना था मुझे। तो अभी ये आज मैं दिन भर में क्या करूँगा, ये उस पर ब्लॉग आने वाला है, तो ये 2-3 दिन में आ जाएगा ब्लॉग उसको एडिटिंग करके। तो आज संडे, तो संडे के पूरे दिन में क्या क्या मजे करेंगे हम लोग, तो आपको दिखाते जाऊँगा। तो मेरा स्नान अभी बहुत आधा एक घंटा हो गया, तो मुझे बहुत बोर हो रहा था, तो आयुष को मैंने घर पर बुलाया, तो वो गाड़ी लेकर आया। तो उसकी हाइट बहुत छोटी है ना, उसकी हाइट बहुत छोटी है ना, इसलिए उसको ना उसकी घर वाली गाड़ी है नहीं दिखती, क्योंकि उनके उसके घर वालों को उस पर भरोसा नहीं हो क्या है ना, बहुत गाड़ी भगाता हूँ, 60-70 की स्पीड से गाड़ी से गाड़ी चलाता हो इसीलिए। तो अभी हम बोर हो चुके थे, तो हमको धूप लग रही थी, और धूप में मैंने जैकेट पहना है क्योंकि टैन ना हो जाऊँ इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे इधर का स्पेशल दुकान है, लाभ मेडिकल, मेडिकल है पर जनरल स्टोर से ज़्यादा चलता है, बहुत कमाते हैं वो राहुल अंकल। तो अभी ये स्टिंग पिएगा और मैं देखता हूँ, मुझे ठंडा पीना है इसलिए। तो चलो अभी या रिएक्शन ले रहे थे पर रिएक्ट ही नहीं किया, बहुत सिग्मा लोग है यहाँ के अम्बाजी नगर में। तो अभी ठंडा पियेंगे, क्या पियेंगे, हमारे एरिया का स्पेशल मेडिकल पे नाम पे जो जनरल स्टोर बोलते बस ना बस। तो आपको एक चीज़ बतानी है, तो संभाजी नगर में ना बहुत दिनों से वो अतिक्रमण का ये चल रहा था, तो अतिक्रमण वाले आके तोड़ देते थे। तो ये देखो, ये जो ऑप्टिकल का दुकान है वो भी उन्होंने तोड़ दिया है कल रात को, देख सकते हैं आप कितनी गंदी तरीके से तोड़ के रख दिया है दुकान को। तो इधर बहुत धूल है, तो अभी हम एक जगह पे बैठ के स्प्राइट पी के फिर घर पे जाएंगे, और वीडियो जो शूट करने वाले हम वो 4 बजे करने वाले, क्योंकि यश थोड़ा बिजी है, उसको दूसरा काम आ गया है। तो बाद में फिर सार्थक भी आ जाएगा और वो दूसरा यश अवस्थी वो भी आ जाएगा, तो देखेंगे। BTS भी लेना है और 2-3 एंगल से शूट करनी पड़ेगी रील। तो अभी पहले ठंडा पीते स्प्राइट। तो है ना हमारे एरिया में एक गली है, उधर एक कुत्ता है, वो ना हमारे बहुत पीछे लगता है, तो आपको दिक्कत है उसकी वजह। जाने दो गाइस, हम पीछे की गली से निकलते हैं, ठीक है चल खोलते। तो हम अभी बाजू की छोटे की छोटी सी गली है उधर से निकल रहे हैं चुपचाप, चोरी चोरी चुपकी चुपकी। अभी हमारे इस कड़क की धूप में एंजॉय करके हो गया है, तो अभी थोड़ी देर घर पे जाके आराम करता हूँ। तो सुबह नींद पूरी हुई है पर अभी धूप में बहुत थक गया हूँ मैं,
क्योंकि हम कब से पैदल घूम रहे थे, तो अभी इसको भी घर पे बेचता हूँ और मैं भी घर पे जाता हूँ, फिर वीडियो निकालने का है, तो फिर यश आएगा, फिर चालू करेंगे वीडियो अभी। 2 hours later तो व्लॉग में फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो हम घर पे बैठे थे, तो मैं घर पे जाके थोड़ा आराम कर रहा था, तो जो हमारा जो घर का शूट है मम्मी के साथ का जो वीडियो है वो 4 बजे है, तो मुझे अरुण शेट का कॉल आया, बोले आता के कैरेट को शूट है, एक रील निकालने की है, तो आता के बदनाम पे। तो मैं बोला ठीक है, अभी कुछ काम नहीं था, तो किसी की मदद कर देना ही हमारा फर्ज है। तो अभी कैनोट को जा रही है, तो उसका भी रील का शूट है, उसका भी BTS और मेरा जो रील है उसका भी BTS, मतलब दोनों का BTS हो जाता है एक ही ब्लॉग में। तो अभी कैनोट को जा रहे हैं, तो उसने मुझे बोला कि ऐसी टेरर दिख बोले जरा, ब्लैक कपड़े पहन क्या, तो मैंने पूरी ब्लैक ड्रेसिंग की है, चेन पहनी हुई रहती है मेरी ऑलरेडी, तो बोले चेन भी होगी तो अच्छा होगा, तो बोला है मेरे गले में हमेशा रहती है। तो अभी कैनोट को जा रहे, तो चलो कैनोट को जाएंगे और फिर अरुण शेट से मिलवाता हूँ और उसका BTS भी दिखाता हूँ। तो अभी हम कैनोट के बदनाम चाय पे आ गए और ये है हमारे अरुण शेट, इनकी भी कैसे फेमस लौकर आलो नहीं काम सोडून आलो घर, अरे नहीं ते चेन्नईवरून व्हिडिओ कॉल येणार आहे, ते पिल्लं आहे ना ग्रेसिंगचे, ते दाखवायचे डॉक्युमेंट बनवून ते बनवून। तो अभी रील शूट करते, उसका BTS देखो। अभी थोड़ा सीन हो गया है, तो हमारा प्लान पूरा चेंज हो गया, क्योंकि जो ग्रेसी के जो बेबीज है उनको लाने को जाने का है, मतलब एक जो मेल है वो घर पे आ गया, अभी एक जो फीमेल है वो यहाँ पे मुकुंदवाड़ी को दी है, तो जो वो दीदी है उसको घर पे नहीं आ सकती वो, तो इसलिए हम वो लिली को मतलब खलीसी को लेने जा रहे हैं अभी, क्योंकि वो जो चेन्नई से वीडियो कॉल आने वाला है है। तो गाइज अभी हम मुकुंदवाड़ी के रेलवे स्टेशन के इधर आ गए, पर हमारा नसीब इतना खराब है, अभी इधर हमको 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि रेलवे आ रही है, अभी मम्मी का कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल आ रहा है, 2 मिनट रिसीव करके फिर से आता हूँ आपके पास। तो अभी मम्मी का कॉल आया था, तो मम्मी ने वो दीदी को कॉल किया था, तो वो दीदी रेलवे ट्रैक तक खलीसी को लेके आ रही है, फिर खलीसी को लेकर घर पे जाना है, और जो मेरा हाथ में का कड़े है वो अरुण के पास ही रह गया है, वीडियो के शूट के टाइम मैंने उसको दिया था, उसको चाहिए था, तो वो भी उसके पास रह गया है, मतलब बहुत उल्टे कुटाने हो रहे हैं मेरी ज़िंदगी में। तो मुझे खुद का बहुत गुस्सा है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता अभी, तो खली से आ गई, फिर उसको लेके अभी चलते घर पर, नहीं पे कैनोट में फिर कड़ लेते और फिर घर पे जाएंगे। हमने खलीसी को ले लिया है, तो ये देखो गाड़ी पे कैसे बैठी है, मैंने आयुष के खाने पे राइड ऐसा चलते हैं, आपने बहुत बड़ी हो गई, चल लवकर चल घरी। तो अभी हम पहले कैरोट में जाते, मेरा जो कड़े है वो अरुण से लेते, फिर उधर से घर चलते, और ये बहुत क्यूट लग रही है, ये देखो कैमरे में देख, कैमरे में देख, इकड़े का इकड़े आओ इकड़े जाओ, समोर आए रास्ता ये, तो चलो अभी चलते हैं कैरोट में पहले। ये देखो गाइस गाड़ी पे कैसे बैठी है, आयुष को बहुत मजा आ रही होगी और वो तो बहुत एंजॉय कर रही है, ये देखो। तो गाइस अभी मैंने खरीदी को घर पे ला, तो मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए, नए कपड़े थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते, अर्जेंट था लाना। तो अभी यश अपना जो शूटर है वो ये देखो एक खरीसी को लेकर ऊपर गया है, पकड़ पकड़ पकड़, और एक खरीसी मतलब ग्रेसी भी आ रही है, तो अभी इनका वो वीडियो कॉल होगा, फिर से इसको छोड़ने को जाना पड़ेगा, बहुत कष्ट है मेरी ज़िंदगी में, बोर हो गया मैं यार। डॉक्टर जी मोटी दीदी तो पेपर तो स्कोर कमी होता
तो अभी हमने गाड़ी चार्जिंग को लगाई और घर पे आते ही ग्रेसी को पहले घुमा के लाया, फिर अभी मैं फ्रेश होता क्योंकि बहुत कपड़े बहुत गंदे हो गए और मुझे बहुत कैसे तो भी हो रहा है, तो फिर फ्रेश होने के बाद फिर से ब्लॉग में आते हैं। हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि ये ब्लॉग यही एंड हो रहा है, तो जो पूरा दिन है हमारा जो प्लान के मुताबिक आज कुछ भी नहीं हुआ, हम वीडियो बनाने वाले थे वीडियो भी नहीं हुआ, BTS का ये शूट करने वाले थे वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है आज का दिन, मतलब भंगार दिन था आज का, इतना कुछ खास मज़ा नहीं है आज दिन भर में, तो बस अभी ये ब्लॉग डालना था मुझे। और जो BTS का ब्लॉग है मतलब रील्स के जो BTS है बिहाइंड द सीन्स, वो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, और क्योंकि बीच में सभी मतलब प्लान का पूरा मतलब प्लान पूरा चेंज हो गया, वो बीच में से ही खरीसी को लाना पड़ा, फिर वो चेन्नई से वीडियो कॉल आया, फिर वो दिखाना पड़ा, वो दूसरे मेल को उधर से लाना पड़ा, फिर से छोड़ने को जाना पड़ा मुकुंदवाड़ी, यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर होगा वो शायद 8-10, तो उधर से आना जाना धूप में सब, और उसकी वजह से बहुत थक गया। फिर घर पे आने के बाद कैपेसिटी नहीं थी और मम्मी भी दूसरे काम कर रही थी तो मम्मी के साथ भी वीडियो नहीं, और अरुण का जो वीडियो वो भी आधा हो गया आधा रह गया। तो ये ब्लॉग यही तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और BTS का ब्लॉग जल्दी आएगा, इसके बाद ये आएगा वो।